हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सी नैन ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम HPSSC यानी हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर, कृषि। जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो पहले कौन थे, ऋषभनाथ, और लास्ट कौन थे कमेंट करके बताना। हु वाज़ द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता था। तो श्री गुप्त, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 124 पर। पल्लवों की राजधानी क्या थी। तो क्या थी, कांची, ऑप्शन बी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तो कौन थे, तो ये थे तुर्क। क्वेश्चन नंबर 126, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की, तो इसकी जो स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, ऑप्शन बी। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था। तो ये लिखा था चुन्नी लाल ने, ऑप्शन ए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 129 पर। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है USA से, ऑप्शन ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मैनी पार्ट्स, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो 22। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो सिक्किम को, तो ये हुआ था 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से निकट बुध। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक चट्टान है। तो कार्बनिक, तो कौन होगी, कोयला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इक्वेटर रीजन में, ऑप्शन डी। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे अर्ध महाद्वीप तो कौन होगा, दक्षिण अमेरिका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 140 पर। इसमें यह पूछा गया कि पश्चिमी और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में,
ऑप्शन ए लोकटक। तो लोकटक क्या है? एक झील। और दोस्तों ये हिमाचल, सॉरी, ये भारत के किस जिले में पड़ती हैं, कमेंट करके बताना। कौन सी फसल ज़्यादा मौसम में उगाई जाती है? तो ज़्यादा मौसम में तरबूज। नगरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नगरहोल नेशनल पार्क। तो ये पार्क हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में, ऑप्शन बी। द बेस्ट क्वालिटी कोल, तो इसकी जो बेस्ट क्वालिटी क्या है? एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें यह पूछा गया है कि निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो जब आय बढ़ती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, कीमत तंत्र, तो किसकी विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो सबसे बड़ा, सर्विस सेक्टर, ऑप्शन ए। IDBI वाज इस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1964 में, ऑप्शन सी। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।